गुना जिले के बमौरी इलाके में झोपड़ी में सो रहे एक वृद्ध को अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दी। वह अपनी पत्नी के साथ किट पर भरी झोपड़ी में रह रहे थे। अज्ञात लोगों ने आकर उन्हें नाम से बुलाया। जैसे ही वह घर से बाहर आए, हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उधर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। मामला तारापुर गांव का है। जमडेरा के रहने वाले सुहालाल बारेला उम्र 52 वर्ष ने तारापुर में बटिया से जमीन ली हुई है। वह अपनी पत्नी सीवी बाई के साथ खेत पर ही झोपड़ी बनाकर रहते थे। मृतक के पुत्र डीमा ने बताया कि रात में मोटरसाइकिल से कुछ लोग आए और उन्हें नाम से बुलाया कि सुहालाल है क्या। आवाज सुनकर वह बाहर आए तो उन्हें गोली मार दी गई। गोली सीधा उनकी छाती में जाकर लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। उनकी पत्नी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और घर वालों को जानकारी दी। मौके पर उनके बेटे पहुंच गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भिजवाया। गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट।